है सुनने वाला कौन सुनेगा। या अल्लाह आबादी कोई नहीं सुनने वाला कौन। हजरत इब्राहिम ने जैसे ही अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए इब्राहिम ये ना देखो कि सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये देखो कि ऐलान का हुक्म कौन दे रहा है। ए इब्राहिम ये ना देखो सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये देख लो हुक्म किसका है। इब्राहिम हुक्म तुम्हारे परवरदिगार का है, अब सुन लो ऐलान करना तुम्हारा काम है और ऐलान को मखलूक तक पहुंचाना और सुनाना तुम्हारे रब का काम है। तुम फकत ऐलान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कुरान सुनो, अल्लाह का कलाम कहता है। हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया अल्लाह के कुरान ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ऐलान कर दिया गया, हज की अहमियत को बयान कर दिया गया, हज की फजीलत को बयान कर दिया गया, काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, ऐलान भी उसी वक्त कर दिया गया। ऐ मखलूके खुदा सुनो, ये काबा तामीर हुआ है, यहाँ आना है इसका तवाफ करना है, यहाँ आना है इसके गिर्द चक्कर लगाने हैं, यहाँ पे आना है इसका तवाफ करना है। ऐलान कर दिया गया, जब ऐलान हो गया अजीजाने गिरामी उल कद्र फरमाया गया, उलमा फरमाते हैं अकाबिरीन फरमाते हैं इधर हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया उधर अल्लाह ताला ने वो ऐलान मखलूक को सुना दिया। आलमे अरवाह में जो रूहें मौजूद थी अल्लाह ने उन रूहों को ऐलान सुना दिया, जो माँ के शिकम के अंदर बच्चे थे अल्लाह ने उन तक भी ऐलान पहुंचा दिया, उन्होंने भी उस आवाज को सुन लिया। और जहां जहां जिस जिसने सुना है वहां उसने सुनकर लब्बैक कह दिया, सुना लब्बैक कह दिया, सुना लब्बैक कह दिया। ताजदार मदीना के गुलामों फरमाया गया अगर माँ के शिकम के अंदर या आलमे अरवाह में किसी रूह ने एक मरतबा लब्बैक कहा है वो अपनी जिंदगी में एक मरतबा हज जरूर करेगा। दो मरतबा लब्बैक अगर किसी ने कहा अपनी जिंदगी में दो मरतबा हज करेगा, तीन मरतबा लब्बैक कहा तो तीन मरतबा हज करने जाएगा। आज अगर हनीफ भाई हज करने जा रहे हैं ना तो जान लो या तो आलमे अरवाह में या माँ के शिकम में, माँ के शिकम में तो इन्होंने नहीं सुना वो ऐलान क्योंकि बात बड़ी पुरानी है, तो आलमे अरवाह में इनकी रूह ने इस ऐलान को सुना है और उस पर लब्बैक कहा है। लब्बैक कहा है तो आज अल्लाह ने तौफीक अता की है हज करने जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करने, वो काबा जिसकी फजीलत बयान करते हुए मेरे आका ने फरमाया, मदनी करीम आका फरमाते हैं वो काबा कि जहां पर हर लम्हा अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, मुसलसल रहमतों का नुजूल होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अगर बढ़ जाए तो, और बढ़ेगी यकीनन, मुसलसल रब की रहमतों का नुजूल होता है। परवरदिगार आलम खालिके कायनात करम फरमाता है अपने बंदों पर, इधर बंदे जाते हैं उधर परवरदिगार की रहमतें बरसने लगती हैं। जाने वाला जो भी जाता है हज करने के लिए फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, इधर वो हज करने के लिए गया खाने खुदा खाने काबा पे उसने पहली नजर डाली, पहली नजर पड़ी फरमाया जो दुआ उस वक्त में मांगेगा अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, दुआ रद्द नहीं होगी,
कबूल फरमाएगा परवरदिगार। वो खाने काबा जिसमें हुक्म दिया गया जब काबे का तवाफ करो सीना तान के चलो अकड़ के चलो, या अल्लाह यहां पे अकड़ के चलने का हुक्म दिया और बाकी हुक्म क्या है अकड़ करना चलो, इनके सारी अपने अंदर पैदा करो। कुरान कहता है परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया ऐ रहमान के बंदो अकड़ के ना चलो, इनके सारी पैदा करो। अल्लाह ताला का हुक्म है जो रहमान के बंदे हैं अकड़ कर नहीं चलते, उनके अंदर आजजी है, उनके अंदर इनके सारी है। ऐ अजीजो गौर करो, एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म ये है अकड़ कर ना चलो, गुरूर पैदा हो जाएगा, जरा अपने अंदर ये बात पैदा करो, तवाजो पैदा करो, इनके सारी पैदा करो, खाक सारी पैदा करो। हुक्म परवरदिगार ने दे दिया अकड़ना नहीं है, लेकिन काबे में जाओ जब खाना खुदा का तवाफ करो, जब अल्लाह के इर्द अल्लाह के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, हुक्म दिया गया कि वहां पर तुम्हें अकड़ के चलना है, सीना तान के चलना है। अर्ज किया गया ए मौला ख्याल है अल्लाह की बारगाह में, आलम ख्याल में अर्ज किया जाए ऐ परवरदिगारे आलम आज अकड़ के चलने का हुक्म किस लिए? बारगाह मुस्ता ताजदारे मदीना के दौर में कुफार थे मौजूद, हुक्म तूने इसलिए दिया था कि मोमिन वहां पर अकड़ कर चले ताकि सारे काफिर देखें खाइफ हो जाए, काफिरों की नजर पड़े, मक्के के काफिर देखे, अबू जहल देखे, अबू लहब देखे, अतबा शहबा देखे, ये जो है देखे और शौकत इस्लामी नजर आ जाए, सहाबा की अजमत नजर आ जाए, ये सारे के सारे सहाबा को अकड़ के चलता देखे, मुसलमान इन पर गालिब आ जाए, मुसलमानों की हैबत इनके दिलों में बैठ जाए, मुसलमानों का खौफ इनके दिलों में बैठ जाए। लेकिन मौला आज अकड़ के चलने का क्या मतलब है? आज तो वहां पर कोई काफिर नहीं है, आज तो वहां पर कोई अबू जहल नहीं है, आज वहां पर कोई अबू लहब नहीं है, आज वहां पर अतबा शैबा नहीं है। ऐ परवरदिगार ऐ खालिक कायनात आज क्या वजह है कि वो हुक्म आज तक बाकी है? तो जवाब कुदरत का आएगा ऐ मेरे बंदो वजह ये नहीं है कि आज वहां पर काफिर हैं तो अकल के चलना, नहीं नहीं बात ये है, ये मेरे महबूब ताजदारे मदीना की प्यारी अदा है, मेरे हबीब के गुलामों की अदा है। वो खाने खुदा का तवाफ करते हुए सीना तान के अकड़ के चलते थे, अल्लाह को महबूब की अदाएं पसंद है जैसा मेरे हबीब ने किया है। अब कयामत तक के लिए मोमिनों पर जरूरी कर दिया गया, अब सारे मोमिन हज करने वाले काबे का तवाफ करने वाले काबे में आएंगे, जरूरी है कि महबूब खुदा की अदा को अपनाएंगे और सीना तान के अकड़ के वहां पे चलेंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म बाकी रखा। अजीजाने गिरामी उल कदर गौर फरमाइए काबा क्या है? मैंने अर्ज किया पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है, लेकिन काबे की फजीलत क्या, काबे का मकाम क्या, और काबे का जो तवाफ किया जाता है तवाफ करने का मकसद क्या, क्यों किया जाता है तवाफ, क्या वजह है, क्या रीजन है काबे का तवाफ करने की वजह? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना, बात जरा पीछे जाएगी तब समझ में आएगी।
क्यों काबे का तवाफ होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई, पैदा फरमाया, पैदा फरमाने से पहले जो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा, मौला क्यों, किस लिए? या अल्लाह ये इंसान तो जमीन पर जाकर खूनरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा, मालिक हम हैं तो इबादत के लिए, या अल्लाह बंदगी के लिए हम मौजूद हैं तो सही। अर्ज करने लगे फरिश्ते, ऐ मौला ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, ऐ मौला तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी हमद करने के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की क्या जरूरत है, ऐ परवरदिगार हम तेरी बंदगी के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह जो जानता है वो कोई, परवरदिगारे आलम की जात, उसकी शान, उसका मकाम, वो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, वो तुम्हारा मेरा खुदा, परवरदिगारे आलम जिसकी शान कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आज हमारे पास 50 बीघा जमीन हो, 100 बीघा जमीन, एक मकान अच्छा, एक दो प्लॉट हो, हम बड़े अकड़ते इतराते हैं, कहते बड़ी मिल्कियत है हमारे पास में, लेकिन रब का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात, तमाम मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार है। असल मिल्कियत तो अल्लाह ताला की है, असल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार है। कुछ इको विको इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा खुश्क है यार बाबू। असल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार, कुरान उसकी अजमतें बयान कर रहा है। फिर सुनो अल्लाह ताला का कलाम, परवरदिगार ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ। अल्लाह का कुरान कहता है यूं अर्ज करो, ऐ परवरदिगार, ऐ मुल्कों के मालिक, सल्तनत तेरी, बादशाहत तेरी, और तू जिसे चाहे सल्तनत अता कर दे, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे। ऐ अल्लाह इज्जत का अता करने वाला तू है, इज्जत से नवाजने वाला तू है, और तू ही जिसे चाहे जलील कर देता है, तू ही जिसे चाहे रुसवा कर देता है। अल्लाह की शान ये है लोगों, अल्लाह ताला का मकाम ये है अजीजों। कौन है परवरदिगार, वो किसी ने कहा गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगारे आलम, जिंदगी मौत का मालिक भी वही खुदा, फरमा दिया गया
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, जिंदगी और मौत का मालिक भी परवरदिगार है, वही इज्जत देने वाला, वही जिसे चाहे जलील कर दे, वो चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे, वो चाहे तो बादशाह को लम्हों में फकीर बना दे। आपने देखा नहीं है कितने कुएं जो लबालब भरे होते हैं वो देखते देखते सूख जाया करते हैं? क्या आपने देखा नहीं है बड़े बड़े तालाब जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा लेकिन देखते देखते सूख जाते हैं? अल्लाह ताला की शान ये है, वो गरीबों को गनी बना दे, गरीबों को बादशाह बना दे, वो चाहे तो बादशाहों को लम्हों के अंदर फकीर बना दे। ये अल्लाह के इख्तियार में है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर करो, अल्लाह ने फरमाया है मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बात आ रही है समझ में या नींद आ रही है? अरे बड़े खामोश है महमूदपुर वाले आज, जब से चेयरमैन ही महमूदपुर में आए पता नहीं क्या हुआ, सुस्त हो गए महमूदपुर वाले, डर रहे हैं अब चेयरमैन ही जब से आ गई। डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको अल्लाह की शान बता रहा हूं। यार हम वो कौम है कि हमारा खुदा इतनी शान वाला है, हमें फिर किसी से डरने की जरूरत क्या है? बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बात काबे की चलिए, मोमिन को खुश होना चाहिए। आप सुनते रहते हैं ना काबा, काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खाने काबा, अब सुने जरा तवज्जो करें, तवाफ, यही तो मैं अर्ज कर रहा था ना, तवाफ क्यों किया जाता है? परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, फरिश्तों से फरमाया बनाने वाला हूं आदम को, लेकिन जब फरिश्तों ने यह जवाब दिया उसके बाद में अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आपका वजूद तैयार किया गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद हमसे हमारा मौला नाराज हो गया, इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार हमसे नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, अब जरा तवज्जो से सुनो, एक काबा ये जो मक्का शरीफ के अंदर यहां दुनिया में जमीन पर मौजूद है, लेकिन एक काबा और है, एक काबा ये जमीन पर हमारे सामने मक्का शरीफ में, लेकिन इसके अलावा एक और काबा है। वो काबा कहां है? वो सातवें आसमान पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है, वो फरिश्तों का किबला है। सातवें आसमान पर फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जिसकी जानिब रुख करके फरिश्ते नमाजें अदा करते हैं,
वो फरिश्तों का किबला सातवें आसमान पर। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, फरिश्तों का किबला सातवें आसमान पर। इधर फरिश्तों को लगा कि रब नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया, बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने तवाफ किया, फरिश्तों ने चक्कर लगाए। जब फरिश्ते तवाफ करने लगे तो परवरदिगार ने फरमाया, है फरिश्तों ये क्या कर रहे हो, है फरिश्तों ये किस लिए कर रहे हो। अल्लाह ताला ने जैसे ही फरमाया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, है मौला हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया, हमें यूं लगा कि तू खफा हो गया। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं, ऐ मौला तुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। परवरदिगारे आलम तो सब जानने वाला, लेकिन फरिश्तों से अल्लाह ने मालूम किया, और जब फरिश्तों ने जवाब दे दिया, या अल्लाह इसलिए तवाफ कर रहे हैं, या अल्लाह तवाफ करने का मकसद ये है कि तू राजी हो जाए, तवाफ करने का मकसद ये है कि तू हमसे खफा ना रहे, तू हमसे राजी हो जाए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये तुम्हारा तरीका बड़ा प्यारा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा तरीका है, तुम्हारा अमल बड़ा प्यारा है, तुम्हारा अमल तुम्हारे रब को पसंद आ गया है, तुम्हारे परवरदिगार को तुम्हारा अमल पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जैसे सातवें आसमान पर इस काबे के इर्द गिर्द तुमने तवाफ किया, चक्कर लगाया कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, अब ऐसा ही एक काबा ठीक इसके नीचे जमीन पर बना दिया जाए, जमीन पर तामीर कर दिया जाए, ताकि जब इंसान मेरे बंदे जमीन पर रहे, साहिब ईमान जमीन पर रहे, जब उनसे गुनाह हो जाए, जब उनसे खताएं हो जाए, जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर ले, जब वो गुनाह कर ले, तो वो काबा जमीन पे हो, वो तुम्हारे तरीके को अपनाए, तुम्हारे अमल को अपनाए। जमीन पर जो काबा हो उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, उस काबे का तवाफ करने आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जमीन पे एक काबा बना दो, ये काबा इसलिए कि गुनाहगार आएंगे, मैं गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जो खताकार आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं उनकी खताओं को बख्श दूंगा, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह। अब जरा गौर करो, काबा वो है जिसे पत्थरों से बनाया गया, बनाने वाले पहले फरिश्ते हैं, बाद में फिर इसकी तामीर होती रही। एक वक्त आया अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दे दिया, ऐ इब्राहिम काबा तामीर करो, ऐ इब्राहिम काबा बनाओ। हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर शुरू की। महमूदपुर के गयूर मुसलमानों, आप भी अपने मकान बनाते हैं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई मेमार, जब कोई मिस्त्री मकान बनाता है, जब किसी इमारत को बनाया जाता है, मिस्त्री बनाना शुरू करता है, मिसाल के तौर पे उसने दीवार बनाना शुरू किया, दीवार जमीन पे खड़े होके बना रहा है, जहां तक हाथ उसका गया वहां तक उसने जमीन पे खड़े होके बनाई, और जब हाथ पहुंचना बंद हो गया तो फिर ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है, एक पहाड़ बांधी जाती है। हमारे इलाके में पहाड़ कहते हैं, बाकी इलाकों का पता नहीं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, जब मेमार का हाथ पहुंचना बंद हुआ तो उसने ऊंचाई के लिए पहाड़ का इंतजाम किया। हजरत इब्राहिम ने काबा तामीर किया, उधर उनका हाथ जहां तक गया उन्होंने जमीन पे खड़े होके पत्थर रखे। हजरत इस्माइल हेल्पर बने हुए हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, गौर तो करो मुसलमानों,
क्या बेहतरीन तामीर है काबे की, के काबे की तामीर करने वाला मैमार अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम है, और मजदूरी करने वाला मजदूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। क्या बेहतरीन मैमार है, क्या शान वाला मजदूर है। ये हमारे तुम्हारे यहाँ जो मजदूरियां करने वाले, जो इमारतें बनाने वाले मैमार मिस्त्री, अल्लाह रहम फरमाए, दो ईंटें रखी फिर एक बीड़ी, मजदूर ने दो परात मसाला लाके दिया फिर एक गगन, एक दिलबाग कमला पसंद, और गर्मी का मौसम हो तो बार बार शिकंजिए, कह रहे हैं भाई साहब इतनी गर्मी में तुम्हारा काम कर रहे हैं, शुक्र अदा करो, तो जरा ध्यान रखो बीड़ी माचिस का, शरबत का, चाय का। और फिर जहां तुम इधर उधर हुए तो फिर इनकी हालत देखो, कोई लेटा है, कोई टांगे फैला के बैठा है, हाय हाय हाय। ए दुनिया भर में मेमार का काम करने वालों, मकान बनाने वालों, इमारतें बनाने वालों, आओ जरा ए सारे मिस्त्रियों देख लो अल्लाह का खलील कैसे इमारत बना रहा है। और इमारत भी बन रही है तो अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा हाथ जहां तक गया बनाया, हाथ पहुंचना बंद हुआ, फिर अब ऊंचाई का इंतजाम करना था, पहाड़ बांधना था, तो एक पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। उस पत्थर पे खड़े हुए ना तो उस पत्थर का कमाल जानते हो, पत्थर का कमाल ये था कि ऊपर जाना होता था तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर जाता था, नीचे आना होता तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। सुभान क्या बात है, अल्लाह के खलील जो तामीर कर रहे, कदम पत्थर के ऊपर अल्लाह के खलील के हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, देखो जरा समझो गौर करो खुदा की कसम, हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े हुए उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। हनीफ भाई जाएंगे देखेंगे मकाम इब्राहिम को, उस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। एक मुसल्ले के बराबर लंबा चौड़ा उतना ही एक पत्थर है, उस पत्थर का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको भी उस पत्थर का दीदार अता फरमाए। हजरत इब्राहिम उस पत्थर पे खड़े हुए, ऊपर जाना होता पत्थर ऊपर जाता, नीचे आना होता पत्थर खुद ब खुद नीचे हो जाता। अब गौर करो मेरे अजीजों, जब काबा हजरत इब्राहिम तामीर कर रहे हैं वहां पर कुछ भी नहीं है, इंसान कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, वीराना सुनसान इलाका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करने लगे। मफहूम अर्ज कर रहा हूँ अजीजा ने गिरामी दो, मेरे अजीजो गौर करो, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मौला ए परवरदिगार, यहाँ मैंने तेरा घर आबाद किया, तेरा घर बनाया है। अर्ज करते मौला यहाँ मैंने तेरा घर बनाया है, तेरा घर आबाद किया है, तू यहाँ पर मेरी नस्लों को आबाद फरमा दे। और दुआ का खास जुमला, ए मौला मैंने यहाँ पर तेरा घर बनाया, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को यहाँ आबाद कर दे। दुआ का खास जुमला ये था। अर्ज करने लगे मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में
अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दे। जैसे ही ये दुआ की है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान पर, जैसे ही मेरे आका का नाम नामी आया, मुस्तफ़ा करीम का मुबारक नाम आया, खुदा की कसम जब ये नाम पत्थर ने सुना, पत्थर बेताब बेकरार हो गया, पत्थर पे ऐसी बेखुदी छाई, नाम मुस्तफ़ा सुना पत्थर ने अपना कलेजा मौन कर लिया। हजरत इब्राहीम पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर ने अपने आप को मौन बनाया, हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान उस पत्थर के सीने पे महफूज हो गए। वो काबा जिसको बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर मेरे आका के दौर में मेरे हुजूर ने इसको तामीर किया। हजरे अस्वद पर लगाने पर फिर एक झगड़ा हुआ मक्के के लोगों में, अरब के कबाइल में। मेरे हुजूर ने फैसला फरमाया, गौर करो मेरे अजीजो, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह, काबा वो पाकीजा जगह, काबा देखने जाओ, काबे का तवाफ करने जाओ। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जब कोई बंदा हज करने जाता है काबे का तवाफ करना जरूरी है, काबे का तवाफ किया करता है, फिर उसके बाद में बाकी अरकान, मुजदलफा जाना है, तवाफ जियारत करना है, अरफात जाना है, अल्लाहु अकबर ये तमाम अरकान अदा करने हैं, सही सफा और मरवा की करनी है, सफा और मरवा के चक्कर लगाना है, सफा और मरवा पर दौड़ना है। किस लिए दौड़ना है? कि हजरत हाजरा का तरीका और उनकी अदा है, हजरत हाजरा की सुन्नत है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, इधर काबा है अजमत वाली जगह, इज्जत वाली जगह। एक हाजी सबसे पहले जाएगा तो वो हज करेगा, लेकिन बाद में या पहले वो मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना की बारगाह में भी जाता है, आका के रोजे पर भी जाता है। जो सुन्नी मुसलमान है, जो आका का दीवाना है, वो मेरे आका की बारगाह में यकीनन जाता है, और मेरे आका का फरमान उसे याद होता है कि ताजदारे मदीना का ऐलान है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया है, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। जिसने हुजूर के रोजे की जियारत की, आज बहुत सारे लोग हैं कतराते हैं, कहते हैं जी बस हज अदा करना है और फिर भागे चले आएंगे। मगर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हज अदा करने वालों, ये जो तुम हज अदा किया करते हो, ये तरीका तुम्हें सिखाया किसने है? कुरान में हुक्म है, मुस्तफा जाने रहमत ने उसका प्रैक्टिकल हज करके दिखाया, ऐसे करना, इस तरह से करना। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना का रोजा, बारगाह मुस्तफा में हाजी जाता है, जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है कैफियत बदल जाती है, तबीयत अजीब सी हो जाती है। इधर आका की बारगाह में आता है, एक तरफ तो लबों पे तबस्सुम होता है, खुशी होती है कि मैं उस जगह पे आ गया कि कायनात के अंदर इस जगह से खूबसूरत कोई दूसरी जगह नहीं है, और दूसरी तरफ आंखों में आंसू होते हैं। बंदा अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा होता है कि ये मेरे रब का करम है, ये आका की इनायत है कि ताजदारे मदीना ने मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया है। बड़े पैसे वाले हैं, बड़े दौलत वाले हैं, नहीं जा पाते। वो जाते हैं जिन्हें मुस्तफा की बारगाह से बुलावा आ जाता है, वो जाते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते हैं। फिर पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही?
पैसा हो ना हो फर्क कोई नहीं पड़ता, जाता वही है जिसे मुस्तफा, जिसे मुस्तफा बुलाते हैं। अजीजा ने गिरामियुल कद्र गौर फरमाइए, इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। एक तरफ काबा है, एक तरफ काबे का काबा है, एक तरफ काबा है और एक तरफ काबे का काबा है। जानते हो लोग ख्याल करते थे कि काबा अफजल है या मदीना अफजल है, मक्का अफजल है या मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। तो मक्के की अफजलियत का सबब यह कि वहां पर काबा मौजूद है, अल्लाह का घर मौजूद है, और मदीने की अफजलियत का सबब यह कि वहां पर काबे का काबा मौजूद है। कौन जानता था इसे, तो यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर। आज हम अदब से नाम लेते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ, इसको कहते थे यसरब, बीमारियों का घर। ए लोगों, जो बीमारियों का घर था, मुस्तफा के कदमों की बरकत देखो, आज वहां की मिट्टी से भी लोग शिफा पा रहे हैं। ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है, जहां आका के कदम पड़ गए वहां की मिट्टी भी इतनी मुकद्दस हो गई, इतनी पाकीजा हो गई कि वो मुकद्दस पाकीजा मिट्टी भी अब जो है शिफा देने वाली बन गई। उस मिट्टी में भी शिफा है। ताजदारे मदीना के कदम पड़े, यसरब मदीना मुनव्वरा बन गया। अल्लाहु अकबर, फिर अजमत क्या, मदीने की शान आका ने बढ़ाई, इमामुल अंबिया ने बढ़ाई। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, मदीने की एक गली, एक बाजार, एक खित्ता, एक इलाका नहीं नहीं। आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। आका ने ऐलान कर दिया, सारे मदीने को अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। आज लोग कहते हैं सुन्नियों पे एतरा, अरे भाई तुम सुन्नी लोग पता नहीं क्या करते हो, तुम मदीने को कह देते हो मदीना जन्नत है, मदीने में जन्नत है। हम तो यूं कहते हैं चांदनी रात है, मैं हूं मेरी तन्हाई है। आप अगर सुनेंगे ना दिल से मजा आएगा। चांदनी रात है, मैं हूं मेरी तन्हाई है, याद ऐसे में मदीने की चली आई है। जा रहे हैं हनीफ भाई, लेकिन हमारे दिल तड़प रहे हैं, हमें मदीना याद आ रहा है। हम कह रहे हैं याद ऐसे में मदीने की चली आई है। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी हम तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, मुजरिम,
बोलो हैं कि नहीं? अपने किसी अमल पे नाज नहीं, किसी अमल पे भरोसा नहीं। हमारे सजदे हम कर रहे हैं, फर्ज है नमाज, सजदे करना हमारा काम, कबूल करना अल्लाह का काम है। लेकिन कोई नमाज पढ़ने के बाद में बाहर आके गारंटी से कह सकता है जो मैंने नमाज पढ़ी कबूल हो गई? कबूल करना अल्लाह का काम है। अलबत्ता अल्लाह हमारा बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, हम उसकी जात से तवक्को करते हैं, ए मौला हमने जैसा भी हमसे बन पड़ा टूटे फूटे सजदे कर लिए, या अल्लाह तू हमारे इन सजदों को कबूल फरमा, तवक्को है कि रब कबूल फरमाएगा, है नहीं? तवक्को है, उसकी जात पे भरोसा है, उसकी रहमत पे भरोसा है। हम तो गुनाहगार हैं, गुनाहों पर शर्मसार भी हैं, इकरार भी करते हैं हम मुजरिम हैं, मगर उम्मीद क्यों है जानते हो? ये उम्मीद हमें कुरान ने दी है, अल्लाह के कलाम ने दी है। मैं कुरान सुनाऊं, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ऐलान है, उम्मीद बंधाई परवरदिगार ने फरमाया, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا। अल्लाह ताला का कलाम है, रब का कुरान है, फरमाया परवरदिगार ने, ऐ मेरे वो बंदो, कौन से बंदो? हाफिज सगीर साहब आ गए माशाल्लाह, हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, आप मेरे जाने के बाद में इनसे तस्दीक कर सकते हैं हर बात की। अल्लाह का कुरान है मेरे अजीजो, आयत सुनाई है तो साथ साथ उलमा के अकवाल भी सुना दूं। फरमाया हमारे बुजुर्गों उलमा ने, अकाबिरीन ने, कि जब जब अल्लाह ने मोमिनों को पुकारा, ईमान वालों को पुकारा, जब जब बंदों को पुकारा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, तो जानते हो सर किसने उठाया? कुछ वो जिन्हें शर्म आ गई, कुछ वो जिन्होंने सर उठाए। परवरदिगार हम हाजिर हैं, लब्बैक। कुछ वो जो शर्मसार हो गए। जब भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पुकारा तो नेक परहेजगार लोगों ने यूं सर उठाया, कहने लगे मौला पुकार रहा है तो गुनाहगारों को नहीं, हमें पुकार रहा है। और गुनाहगार शर्मा गए, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें थोड़ी देर अल्लाह पुकारेगा, हम तो गुनाहगार हैं, मुजरिम में शर्मा गए, नदामत के सबब सर झुका लिया। मगर गुनाहगारों याद रखना, जो नदामत से सर झुकाता है, जो नदामत से अश्क बहाता है, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है, उसके दरजात को अल्लाह बुलंद फरमा देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, उसकी शान वो चाहे ना, उसका कर्म तो ये है, अगर पकड़ करने पे आए ना तो एक मामूली हल्के से मामूली से गुनाह पर अल्लाह पकड़ कर ले, हल्की सी खता पर अल्लाह ताला पकड़ फरमा ले। और अगर अल्लाह बख्शने पे आए ना, हजारों गुनाह क्यों ना हो, जब उसकी रहमतें जोश में आती हैं, अल्लाह ताला सारी खताओं को मुआफ कर देता है। और जानते हो क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने शैतान को मर्दूद बना के निकाला ना, लानत का तोक इसके गले में डाला, तो इसने कहा था या अल्लाह दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? अल्लाह ने शैतान को निकाला, परवरदिगार ने फरमाया
قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ نے فرمایا نکل جا دفع ہو جا میری بارگاہ سے. فرمایا پروردگار نے قیامت تک کے لیے تجھے لانتی بنایا جا رہا ہے, مردود بنایا جا رہا ہے. عرض کرنے لگا یا اللہ دور نہیں جاؤں گا. فرمایا کہاں جائے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا, صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے, وہ راستہ جو بندوں کو تیرا قرب عطا کرتا ہے, وہاں پہ بیٹھوں گا, تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا, تیرے بندوں کو گناہوں کے راستوں پہ ڈالوں گا. اللہ نے فرمایا اچھا تو میرے بندوں کو بہکائے گا؟ ہاں بہکاؤں گا. قسم کھا کے کہا اس نے. عرض کرنے اللہ کی بارگاہ میں یہ شیطان قسم کھا کے کہتا ہے, کہنے لگا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا. محمود پر والو اب جو بات عرض کر رہا ہوں تڑپ جاؤ گے خدا کی قسم. اس نے کہا بہکاؤں گا بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا سامنے سے سامنے سے سامنے سے حملہ کروں گا بہکاؤں گا. کہتا ہے پیچھے سے آؤں گا پیچھے سے حملہ کروں گا بہکاؤں گا. کہتا ہے سیدھی طرف سے دائیں جانب سے آؤں گا بہکاؤں گا. کہتا ہے بائیں جانب سے آؤں گا ادھر سے بھی حملہ کروں گا بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ کسی بھی طرف سے نہیں چھوڑوں گا, چار سائیڈیں چاروں طرف سے آؤں گا, چاروں طرف سے آؤں گا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا او شیطان او مردود تو نے چار سائیڈوں کو چن لیا, چار سمتوں کا تو نے انتخاب کر لیا, مگر سن تو نے دو سائیڈوں کو چھوڑ دیا, دو سمتوں کو تو نے چھوڑ دیا. تو چار طرف سے بہکائے گا میں دو طرف سے بندوں پہ کرم کرتا جاؤں گا, تو چار طرف سے گناہوں کی طرف لے کے جائے گا میں دو سائیڈوں سے کرم کرتا جاؤں گا. یا اللہ وہ دو سمتیں تیری کون سی ہیں, وہ دو سائیڈیں تیری کون سی؟ اللہ نے فرمایا تو چاروں طرف سے بہکائے گا میں دو طرف سے کروں گا کرم, ایک اوپر والی سائیڈ کو تو نے چھوڑ دیا, ایک نیچے والی سمت کو تو نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو چاروں طرف سے بہکائے گا بندہ بہک جائے گا, گناہ کر لے گا, پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آئے گا اس کا احساس ندامت بیدار ہوگا, پھر اس کی آنکھوں میں اشک آئیں گے, وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا, یوں اوپر کو ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا اللہ شیطان نے بہکا دیا گناہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا جب وہ اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا, اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. وہ پروردگار کرم کرنے والا بخشنے والا. اللہ نے پکارا اے میرے وہ بندو, جب جب پکارا تو سر کس نے اٹھایا؟ نیک پرہیزگاروں نے.
गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका लिए, मगर कुरान कहता गुनाहगारों क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात, मैंने अर्ज किया ना बख्शने पे आए ना रहमत उसकी जोश पे आए, तो फिर जमीन से आसमान तक भी गुनाह हो ना इतनी बड़ी जगह में, तब भी अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर दे। तो नेक परहेजगारों ने सर उठाए, गुनाहगारों ने शर्म से सर झुकाए। गुनाहगार बोले हमें थोड़े ही पुकारा जाएगा, लेकिन अब की बार जब अल्लाह ने पुकारा तो गुनाहगारों को हिम्मत अता कर दी, हौसला दे दिया कि देखो दूर ना जाओ, कहां जाओगे सिवाए बर्बादी के, कुछ हाथ नहीं लगेगा, वापस पलट के आओ। अल्लाह ने फरमाया कुलिया इबादी अल्लदीना असरफू अला अन्फुसिहिम, फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए यानी गुनाह कर लिए। गोया अल्लाह ने फरमाया ऐ गुनाहगारो घबराओ नहीं, ऐ गुनाहगारो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐ गुनाहगारो अपने रब की बारगाह में आ जाओ, अपने रब को पुकारो, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों की वो साथ बड़ी है, उसकी रहमतों से कभी मायूस ना होना, कभी ना उम्मीद ना होना। तो रब की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना, जल्दी बात को खत्म करता हूं, तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना, कभी मायूस ना होना। परवरदिगार आलम खालिक कायनात, वो तुम्हारा मेरा खुदा, वो खालिक अर्ज़ो समा, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो कर्म का क्या ठिकाना। फरमाया मेरे आका ने कि मदीना एक गली एक खिता नहीं, सारा मदीना क्या है बोलो, जन्नत अल्लाह ने बना दिया सारे मदीने को अल्लाह ने। अब हम पे कोई एतराज ना करे कि आप लोग साहब मदीने की नहीं, हुजूर का फरमान। और फिर दूसरी बात सुने, आगे मेरे आका ने एक हदीस पाक में फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, कहां से, मेरे मिंबर से लेकर हुजरे तक। आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन ही नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। गौर करो